सुपर चोर एपिसोड 7। रुबेन चिंतित था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने जल्दी से जमीन पर पड़ा बड़ा बैग उठा लिया। हालांकि बैग खुला था और रुबेन ने जैसे ही उसे उठाया, रंगीन मनी बैग जमीन पर बारिश की तरह गिरने लगे। ये दृश्य सभी ने देखा और वे अचानक हुए इस घटनाक्रम से स्तब्ध रह गए। सभी प्रतिभागियों ने उन पैसों की थैलियों को देखा और वे एक के बाद एक घबरा कर रोने लगे। वह मेरा पैसों का थैला है, वह फूल पैटर्न वाला मेरा है, वह काला और सफेद मेरा था, मैं ये भी बता सकता हूँ कि उसके अंदर क्या है। हर कोई चिल्लाने लगा। रुबेन इससे हतप्रभ रह गया और उसने ढेर में अपना पैसों का थैला भी देखा। उसने तुरंत उसे ढेर से उठाया और खोलकर देखा तो अंदर उसका सामान था। सिस्टर ग्रेसी आप, रुबेन ने आश्चर्य से ग्रेसी की ओर देखा। ये देखकर रिलन इतना खुश हुआ कि वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वह पूरी गति से ग्रेसी की ओर दौड़ता है। कैडेन जल्दी से रिलन के पीछे चला गया क्योंकि वह जानता था कि ग्रेसी ने कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अगर रिलन को वह नहीं मिला जो वह ढूंढ रहा था तो वह निश्चित रूप से उसे दंडित करेगा। उसे डर था कि रिलन अपने गुस्से में उसे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वह उसकी ढाल बनने और उसकी ओर से सजा स्वीकार करने के लिए तैयार था। ग्रेसी डर और चिंता से अपनी जगह पर कांप रही थी। अब अगर वह जीवित रहना चाहती है तो उसे रिलन को सब कुछ सच सच बताना होगा। रिलन ने ग्रेसी से बिल्कुल भी सवाल नहीं किया और तुरंत रुबेन से बैग छीन लिया और पागलों की तरह अपनी अंगूठी ढूंढने लगा। बैग के हर इंच की तलाशी लेने के बाद भी उसे अंगूठी मिल सकी। अब उसने अंततः ग्रेसी की ओर उदासीनता से देखा और अचानक उस पर पहाड़ जैसा दबाव पड़ने लगा। वह अपने घुटनों पर गिर गई और उस भयानक दबाव के कारण सांस भी नहीं ले पा रही थी। भाई उसे समझाने का मौका तो दो। राइलन द्वारा अपनी बेटी पर अपनी कल्टीवेशन का पूरा दबाव डालते देख कैडेन ने घबराहट में फोन किया। रिलन ने गहरी सांस ली और ग्रेसी से धमकी भरे स्वर में कहा, मुझे सब कुछ बताओ, अगर तुमने थोड़ा सा भी छुपाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी भतीजी हो। ग्रेसी तुम्हारे चाचा को सच बताती है, वह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैडेन उसे सांत्वना दे रहा था। दो, मैं वह बंजर भूमि से था और एक महीने पहले हेड बटल था। वह बताना शुरू करती है कि वह ऐसे कैसे मिली और कैसे उसने अपने विशेष कौशल को धीमा कर दिया। उसने ये भी कबूल किया कि वह वही थी जो चाहती थी कि वह सभी प्रतिभागियों से चोरी करे। मैं लालच में अंधा हो गया था, कृपया मुझे क्षमा करें अंकल पिताजी, ग्रेसी दया की गुहार लगाती है। वह कुछ कुछ जानती थी कि उस बैग को पीछे छोड़कर कमीने ने उस पर नकेल कसी है। जब रिलन कैडेन और सभी ने उसकी कहानी सुनी तो वे इस लड़के से आश्चर्यचकित रह गए। बंजर भूमि में ऐसा कोई व्यक्ति कब प्रकट हुआ और उसके पास इस प्रकार का कौशल था। अनफिल्टर्ड बेटी, कैडेन की चीख, वह गुस्से से कांप रहा था। अब अंततः उसे समझ आ गया कि जब उसने उससे उस लड़के के बारे में पूछा तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। उन्हें पछतावा भी हो रहा था, उन्होंने पर्याप्त जांच पड़ताल नहीं की और उस लड़के को अपनी बेटी के पास रहने दिया। इसके अलावा वह ग्रेसी की चोरी की योजना से अधिक क्रोधित था। यदि वह सफल होती और केवल प्रतिभागियों को लूटती तो उसे हल करने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उस लड़के ने किसी तरह रिलन से कुछ चुरा लिया और वह चीज़ बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे निराशा की बात यह थी कि वह लड़का अब चला गया था। एस के विशेष कौशल के बारे में ग्रेसी से सीखते हुए रिलन को तुरंत पता चल जाता है कि वह लड़का ही है जिसने उसकी अंतरिक्ष अंगूठी चुराई है। लेकिन वह इस तथ्य से बेहद हैरान और आश्चर्यचकित था, उसे कैसे पता चला कि वह एक अंतरिक्ष रिंग थी और उसने इसे मेरी नाक के नीचे से कैसे चुरा लिया। रिलन के पास बर्बाद करने का समय नहीं था, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, 5 साल काल कोठरी में और 5 साल तक हर महीने 50 कोड़े मारे जाएंगे। आप क्या सोचते हैं भाई कैडेन? ग्रेसी को सजा की घोषणा करने के बाद रिलन ने शांति से कैडेन की ओर देखा। ग्रेसी अभी भी उसकी भतीजी थी, इसलिए वह उसे नहीं मार सकता, लेकिन वह उसकी भूल को माफ नहीं कर सकता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कैडेन यह नहीं चाहती थी, लेकिन वह बहुत अधिक इरादतन हो गई है और वह चोरी की योजना भी बनाती है। ऐसा करके वह परिवार से किसी बाहरी व्यक्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाती है और अब ये सब हुआ। शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ और अब वह ऐसी हो गई है। कैडेन उदास होकर आहें भरता है। ग्रेसी ने अपने चाचा की सजा सुनी और डर के मारे कांप उठी। वह कालकोठरी में रह सकती थी, लेकिन वो कोड़े की मार कोई हंसी की बात नहीं थी, क्योंकि एक गेट ऊपर से किसी के कोड़े खाने से और 5 साल तक हर महीने वह दर्द से मर जाती थी। उसने तुरंत आशा भरी आंखों से बचाव के लिए अपने पिता की ओर देखा। फिर भी वह उसके चाचा से पूरी तरह सहमत है। ये सब उस कुतिया के बेटे की गलती थी। ग्रेसी की तीखी चीख पूरे कार्यक्रम स्थल में गूंज गई और वह गुस्से और नाराजगी से बेहोश हो गई। आसपास के लोग ग्रेसी पर दया किए बिना नहीं रह सके। ये स्पष्ट था कि लड़के ने ये सब योजना बनाई थी और ग्रेसी के लालच का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया था। लेकिन अफसोस, अब उसे अपने 5 साल कालकोठरी में बिताने पड़ेंगे।
परिवार के क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में खोजने में केवल 15 मिनट ही बीते हैं। यदि आप अभी भी उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो पूरे शहर में खोजें। मुझे परवाह नहीं है कि वह लड़का कौन था और वह कहां से आया था, उससे संबंधित किसी भी चीज की खोज करें। इसके अलावा जो लोग नौकर निर्माण के प्रभारी थे और वे बुजुर्ग जिन्हें बंजर भूमिवासियों पर नजर रखनी थी, उन्हें बिना दया के दंडित किया जाएगा। रिलिन ने तेजी से घोषणा की और जल्दी से खोज शुरू कर दी। उसे वह अंगूठी ढूंढनी ही होगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। 15 मिनट पहले एस अपनी आत्मा की भावना का अधिकतम क्षमता से उपयोग करते हुए बास की तरह रिलिन को देख रहा था। वह अपनी आत्मा एनर्जी का उपयोग कर रहा है और मानसिक रूप से थका हुआ है, लेकिन भंडारण स्थान के खजाने के सामने उसे कोई परवाह नहीं है। जिस क्षण फेलिक्स का साधना द्वार बनना शुरू होता है, रिलिन की आत्मा की लहर थोड़ी सी टिमटिमाती है। ठीक इसी क्षण एक आत्मा का धागा रिलिन की उंगली की ओर चला गया। एस बहुत सावधान था कि रिलिन को सचेत न किया जाए। चूंकि एस की आत्मा का कोर अभी भी रंगहीन था, एनर्जी फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स आत्मा के धागों को समझ सकते हैं यदि वे अपनी एनर्जी का उपयोग करके ध्यान केंद्रित करते हैं, और रिलिन भी उस चरण से बहुत दूर नहीं था। रिलिन की उंगली पर अंगूठी के चारों ओर आत्मा का धागा सफलतापूर्वक लपेटा गया था। एस एक गहरी सांस लेता है और सही पल का इंतजार करता है, लेकिन अचानक कुछ याद आया और उसने फेलिक्स की ओर एक और आत्मिक सूत्र भेजा। जब फेलिक्स का परिणाम सभी के लिए स्पष्ट हो गया तो एस का ध्यान आकर्षित हुआ। रिलिन ने अंततः अपनी सतर्कता कम कर दी। उसने तुरंत पिकपॉकेट को सक्रिय किया और अगले ही पल फेलिक्स का मनी बैग उस लंबे बैग के अंदर था और रिलिन रिंग उसकी उंगली पर थी। एस उत्साहित हो जाता है, मुझे अंगूठी मिल गई। हे, उत्साह में उसने सिस्टम की आवाज भी नहीं सुनी। अभी जश्न मनाने का समय नहीं है, मुझे पहले भागना होगा। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और सभी के चेहरे पर रिलिन जैसी ही अभिव्यक्ति थी। उसने हंगामे का फायदा उठाया और काफी शाम हो चुकी थी। एस चोरी का उपयोग करता है और भीड़ में गायब हो जाता है, लेकिन उसने चोरी किए गए सामानों का पूरा बैग ग्रेसी के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वह चाहता था कि सभी को पता चले कि यह सब ग्रेसी की योजना थी। उसने उन सभी निर्दोष बंजर भूमि के लड़कों को देखा है जो हमेशा अपनी जान की भीख मांगते थे, लेकिन ग्रेसी हमेशा उन्हें निर्मम तरीके से मार देती थी। वह नहीं चाहता था कि वह ये कहकर भाग जाए कि उसे कुछ नहीं पता, इसलिए उसने सबूत के तौर पर वह बैग वहीं छोड़ दिया। फेलिक्स या रूबेन के ध्यान में आने के बाद वह अब इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सकती। भागते समय उसने सोचा, 5 मिनट में वह पहले से ही ग्रांड परिवार के मुख्य द्वार के सामने था और अभी भी कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। चूंकि आज पारिवारिक बैठक थी इसलिए सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन एस के लिए ये कुछ भी नहीं था। किसी को भी उसके जाने की सूचना नहीं मिली। एस खामोश कदमों से केलबी परिवार की ओर बढ़ रहा था। अब ये देखते हुए उन्होंने ग्रांट परिवार को पहले ही सचेत कर दिया है। उसे ईवा को ढूंढना है और सिस्टम का मिशन पूरा करना है। ईवा ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह केलबी परिवार क्षेत्र के अंदर अपनी छोटी सी झोपड़ी में रह रही है। चूंकि अश अपने चाचा के साथ फाइंड एस पर गया है, वहां उसे ईवा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक स्टार सिटी में उसका कौशल पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने उसे ब्लैक घोस्ट पर सुराग खोजते रहने का आदेश दिया। ग्रांट और केलबी के पारिवारिक क्षेत्र एक दूसरे के करीब थे। पूरी गति से एस पहले ही 5 मिनट में केलबी परिवार गेट तक पहुंच चुका है और वह छाया की तरह प्रवेश करता है। केलबी के परिवार की सुरक्षा ग्रांट के परिवार जितनी कड़ी नहीं थी। इसी समय रिलिन ने मेहमानों के सामान की तलाशी शुरू कर दी है। एस को याद आया कि योजना शुरू होने के बाद ईवा ने उसे केलबी परिवार में उसे ढूंढने के लिए कहा था। एस ने विशेष निशान देखे जो ईवा ने पेड़ों पर छोड़े थे। केवल वह इन निशानों को देख सकता था क्योंकि वे विशेष रूप से एस के लिए थे। उसने उन निशानों का पीछा किया और एक खुले मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी देखी। ये बहुत साधारण था, लेकिन उसकी पुरानी झोपड़ी से कहीं बेहतर था। उसे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसके पीछे एक सुंदर आकृति उभरती है। एस ने पहले ही देख लिया और मुड़ते हुए मुस्कुरा दिया। वह स्पष्टतः ईवा थी। ईवा, चलो अपनी योजना शुरू करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, एस ने मुस्कुराते हुए कहा। एस सुनते ही ईवा की लोमड़ी जैसी खूबसूरत आंखें चमक उठी। आप केवल एक महीने के लिए वहां थे और आप इतनी जल्दी हमारी योजना में सफल हो गए, ईव ने अपनी प्यारी आंखें सिकुड़ते हुए संदेहपूर्वक पूछताछ की। जिस योजना को क्रियान्वित होने में कम एक वर्ष लगने वाला था, वह अब एक महीने में पूरी हो गई। ईवा के लिए यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। एस उसकी सवालिया निगाहों को नजरअंदाज करता है और जल्दी से उससे पूछता है, बस मुझे ये बताओ, जब रिलिन ने तुम्हारे चेहरे पर यह मुखौटा लगाया था तो क्या उसके बाएं हाथ में तुम्हारा खून टपकाने के बाद अनुबंध गायब हो गया था? यदि यह सच था तो एस ईवा को मुक्त कराने की अपनी खोज में सफल हो गया है, लेकिन यदि नहीं तो वह किसी तरह फिर से ग्रांट के परिवार में वापस चला गया है। हाँ, यह ऐसा था जैसे वह किसी प्रकार के गुप्त कौशल का उपयोग कर रहा था। वह बस इस मुखौटा और आइटम दास अनुबंध को हवा में ले लेता है। लेकिन आप यह अचानक क्यों पूछ रहे हैं? ईवा उलझन में थी। हाँ, तो इसका मतलब है मैं सफल हो गया।
ऐसा लगता है कि इस बार भाग्य मेरे साथ था। एस खुशी से हंसता है। उसे सिस्टम को धन्यवाद देना होगा, यदि ऐसा न होता तो उसे इस अंतरिक्ष वलय के अस्तित्व के बारे में कभी पता नहीं चलता और यहाँ तक कि उनके खजाने में घुसपैठ के बाद ग्रांट परिवार को सचेत भी नहीं कर पाता। ईवा ने चारों ओर एस को देखा लेकिन उसे एस के साथ कोई बैग या अन्य स्टाफ नहीं दिखा। इसके अलावा उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह खाली हाथ है, क्या उसने अपना सिर फोड़ लिया? ईवा ने चिंतित होकर अपने टीम लीडर के बारे में सोचा और आंखों में चिंता का भाव लाते हुए कहा, लेकिन आपके पास कोई थैला नहीं था, आइटम स्लेव अनुबंध कहाँ है? एस जोर जोर से सांस ले रहा था लेकिन उसके चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान थी। मैं आपको केल्बी के पारिवारिक खजाने को साफ करने के बाद बताऊंगा। जब से मैंने रिलिन की अंगूठी चुराई है उसे 15 मिनट हो चुके हैं, उसे पहले ही मेरी तलाश शुरू कर देनी चाहिए थी। हमारे पास बर्बाद करने का समय नहीं है, खजाना कहाँ है? मैं अभी वापस आता हूँ और फिर हम ये शहर छोड़ देंगे। एस की मुस्कुराहट रहस्यमय ढंग से थी और वह सिस्टम के मिशन को पूरा करने के बाद उसे एक बड़ा आश्चर्य देना चाहता था। ईव ने चिंता के साथ एस के पीले चेहरे को देखा लेकिन उसकी आंखें जीवन शक्ति से भरी थी, इसलिए उसने उस पर भरोसा किया और उसे बताया कि खजाना कहाँ स्थित है। केल्बी का पारिवारिक क्षेत्र ग्रांट के परिवार जितना बड़ा नहीं था। उनके नियंत्रण में केवल एक मुख्य हवेली और 2 अन्य जिले हैं, इसलिए एस के लिए सभी विवरण याद रखना कठिन नहीं था। ईवा सावधानी से एस को याद दिलाती है, केल्बी परिवार के मुखिया को चिंतित न करें, वह एनर्जी गेट्स क्षेत्र का एक शीर्ष विशेषज्ञ है। इस बात की भी चिंता मत करो कि रिलन मुझे नहीं ढूंढ सका कि वह बूढ़ा आदमी क्या कर सकता है। एस फूंककार कर उस दिशा में गायब हो गया जो ईवा ने उसे दी थी। केल्बी परिवार की मुख्य हवेली बड़ी थी और हमेशा परिवार के बुजुर्गों द्वारा संरक्षित की जाती थी। यहीं पर मुख्य परिवार रहता है। ऐसे एक पेड़ के पीछे छिपकर केल्बी परिवार की बड़ी हवेली का निरीक्षण कर रहा था। उसने किसी को भी हवेली के द्वार पर पहरा देते हुए नहीं देखा, लेकिन वह अपनी आत्मिक इंद्रिय से पास में छिपे 2 शक्तिशाली विशेषज्ञों को महसूस कर सकता था। वे उस बुजुर्ग से कमजोर हैं जो ग्रांट परिवार की बैठक की होस्ट कर रहा था। ऐसा लगता है कि वे एनर्जी गेट्स के 4th गेट पर हैं। एस ने ईजेकील के साथ तुलना करके तुरंत उनके कल्टीवेशन के आधार का अनुमान लगाया। एस के पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था क्योंकि वह जानता था कि अगर रिलिन ने उसे ग्रांट के परिवार के क्षेत्र में नहीं पाया तो वह केल्बी परिवार से मदद मांगेगा और उस समय वे भी सतर्क हो जाएंगे। उसे यह काम जल्दी और बिना किसी को पता चले करना होगा। उसने अपनी ट्रू और फेल्स आंखों से एक साथ गुप्त और मौन कदमों का उपयोग किया ताकि वह छिपे हुए जालों को देख सके और साथ ही उन 2 विशेषज्ञों की अचानक गतिविधियों को भी नोटिस कर सके। एस उस छिपे हुए मार्ग से हवेली में प्रवेश करता है जिसके बारे में ईवा ने उन 2 विशेषज्ञों को सचेत किए बिना उसे बताया था। अंदर हवेली काफी बड़ी थी और परिचारकों और मुख्य परिवार के अलावा यहाँ कोई नहीं था। एस को याद आया और उसने ईवा के निर्देश का पालन किया और एक सफेद खंभे की ओर चला गया जो सीढ़ियों के पास था। जब वह खंभा बंद करता है तो एक पैनल बाहर निकलता है जिसे वह कुछ देर तक नहीं देख पाता और सिस्टम की आवाज सुनता है। लक्ष्य सीमा में, क्या होस्ट लक्ष्य को स्कैन करना चाहता था? लागत 10 चोर अंक। एस ने खर्राटे लेते हुए सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया। चूंकि वह पहले से ही राजकोष के बारे में सब कुछ जानता है तो चोर अंक बर्बाद करने का क्या मतलब है? उसने ट्यूर और नकली आंखों को सक्रिय किया और खंभे पर एक अजीब तंत्र देखा। ये बिली की दुकान के छिपे हुए दरवाजे जैसा था लेकिन अधिक उन्नत था। ठीक वैसे ही जैसे पहले उसने रहस्यमय ग्रे रेखाएं और उनके बीच एक काला छेद देखा था। उसने तुरंत खजाना खोलने वाले दूसरे हाथ को कुंजी के रूप में 2 अंगुलियों के रूप में सक्रिय किया और छेद पर अपनी धात्विक अंगुलियों को व्यवस्थित किया। छेद में हल्का सा कंपन हुआ और उसकी उंगली उसमें धंसने लगी। हल्की शी ध्वनि के साथ मायावी सरणी निष्क्रिय हो जाती है और स्तंभ एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाता है। एस पूरी तरह से अपनी स्वर्गीय भावना को सक्रिय करता है और पुष्टि करता है कि वे इस दरवाजे के पीछे कोई नहीं थे। ये दरवाजा कोई साधारण दरवाजा नहीं था क्योंकि एस इस पर जटिल ग्रे रेखाएं देख सकता था और यह साधारण तरीकों से नहीं खुलेगा। आखिरकार केल्बी परिवार का पूरा खजाना शायद इस दरवाजे के पीछे था। दरवाजे पर लगी यह सरणी कोई ब्रह्मपूर्ण सरणी नहीं थी, यह एक लॉकिंग सरणी थी। उद्धरण लॉकिंग एरे की डार्क होल। एक स्थिति का पता लगाने के बाद एस ने अपनी आंखें बंद कर ली और खजाना खोलने वाले हाथों के तीसरे रूप पैटर्न की का उपयोग करना शुरू कर दिया। एस की 3 उंगलियां चांदी जैसी होने लगी और उन पर एक अजीब प्रतीकात्मक पैटर्न उभरने लगा। वह अपनी चांदी जैसी उंगली को लॉकिंग एरे दोष या डार्क होल पर रखता है। थोड़े से कंपन के साथ ही उसकी उंगली उसमें धंस गई और हल्की पप की आवाज आई जिसका मतलब था कि दरवाजा खुल गया। एस ने जल्दी से दरवाजा खोला और एक भूमिगत मार्ग देखा। अपनी दिव्य अनुभूति से यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, वह अंदर गया। चुपचाप कदमों से वह कुछ ही सेकंड में रास्ते के अंत तक पहुंच गया।
रास्ते के अंत में उसे एक चांदी रंग का दरवाजा दिखाई दिया जो शायद किसी विशेष धातु से बना था और इस चांदी के दरवाजे के पीछे बेशक खजाना था, केल्बी परिवार का खजाना। एस के दिल की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि वह उत्साह से भर गया था। एस ने सच्ची और झूठी आंखों का इस्तेमाल किया और इस बार उसने चांदी के दरवाजे की श्रृंखला में दो छोटे अंधेरे छेद देखे। अब उसे कुछ अंदाजा हो गया है कि सरनी जितनी अधिक शक्तिशाली या दोषरहित होगी, ब्लैक होल को ढूंढना और अनलॉक करना उतना ही कठिन होगा। अब उसे खजाना खोलने के कौशल के चौथे रूप लॉकी रेजर की का उपयोग करना होगा। एस ने अपने दोनों हाथों से कौशल का संचालन करना शुरू कर दिया। उसकी हथेलियां चांदी जैसी हो गईं और उसकी हथेलियों के बीच में एक सुनहरा रहस्यमय प्रतीक बनना शुरू हो गया। सुनहरा प्रतीक एक स्पाइक जैसा दिखता है जिसके चारों ओर छोटी सुइयां होती हैं। एस ने पिकपॉकेटिंग के बाद इस कौशल का सबसे अधिक अभ्यास किया है और पांचवें और अंतिम रूप में महारत हासिल करने से थोड़ा दूर था। वह दोनों हथेलियों को अंधेरे छिद्रों पर रखता है और जैसे ही ऐसा हुआ, चांदी का दरवाजा थोड़ा कांपने लगा और अंधेरे छिद्र रहस्यमय ढंग से घूमने लगे। एस को महसूस हुआ कि सुनहरे प्रतीक ने उसकी हेवनली एनर्जी को बेतहाशा चूसना शुरू कर दिया और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। चांदी के दरवाजे की दरार पर लॉकिंग एरे 20 सेकंड के बाद खुलता है। एस हौंफ रहा था और बुरी तरह से पसीना बहा रहा था क्योंकि चौथे रूप लॉकी रेजर की के साथ साथ अपनी आंख की कुशलता का उपयोग करने के बाद वह थक गया था। इसके अलावा वह आज शाम लगातार सोल एनर्जी फॉर्म का उपयोग कर रहा था जिसने उसके दिमाग और शरीर पर एक बड़ा बोझ डाल दिया था। मुझे अपनी शेष एनर्जी के साथ भागने में सक्षम होना चाहिए, एस ने कमजोरी समझी और उसने धीरे धीरे चांदी का दरवाजा खोला। जब चांदी का दरवाजा खुलता है तो एक तेज औषधीय सुगंध उसकी नाक में प्रवेश करती है और एस को लगा कि उसका दिमाग थोड़ा स्पष्ट हो गया है। उसे तुरंत पता चल गया कि यहाँ बड़ी संख्या में हीलिंग की गोलियां हैं और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां भी हैं। जैसे ही एस राजकोष में प्रवेश करता है, उसकी आंखें चमकदार रोशनी से चमक उठती हैं। उसने चमकते हथियारों की कतारें और रंगीन गोलियों की बोतलों की अलमारियां देखी, लेकिन उसके पास इस सब का मूल्यांकन करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। उसने तुरंत अपनी उंगली पर नीली रिंग को उत्साहपूर्वक देखा और सिस्टम से सवाल किया, सिस्टम मुझे बताओ मैं इस स्टोरेज रिंग का उपयोग कैसे कर सकता हूँ। एस अपने साथ कुछ भी नहीं लाया क्योंकि उसके पास ये भंडारण अंगूठी है। वह इस प्रसिद्ध भंडारण रिंग का उपयोग करने को लेकर रोमांचित थे। अगर किसी स्टोरेज स्पेस ट्रेजर्स का मालिक है तो वह भी मालिक के एनर्जी मार्क से बंधा हुआ है। जब तक मालिक की मृत्यु नहीं हो जाती या वह अपनी मर्जी से QI मार्क नहीं हटा देता, तब तक कोई भी स्टोरेज स्पेस खजाने के अंदर नहीं देख सकता है या उसका उपयोग नहीं कर सकता है। सिस्टम ने पहले ही एक टीपी काट लिया है क्योंकि होस्ट जल्दी में है, सिस्टम ने उत्तर दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज भावनाहीन नहीं थी बल्कि चंचलता का एक संकेत था। लेकिन एस ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह सुनकर अवाक रह गया और घबराने लगा। वह राइलिन को मारे बिना स्टोरेज रिंग का उपयोग नहीं कर सकता। उत्साह में अंतरिक्ष रिंग हाथ लगने के बाद वह बैग भी नहीं लाया। अब भला वह इन सभी खजानों को बाहर कैसे लाएगा? उसके हाथ में होस्ट के लिए एक मुफ्त सुझाव संदेश पैनल की जांच करें। सिस्टम की आवाज उसके सिर में बजी, लेकिन इस बार यह हमेशा की तरह भावनाहीन और ठंडा था। सिस्टम वॉइस द्वारा एस को बाहर निकाला गया और अंत में उसे याद आया कि जब उसने स्टोरेज रिंग चुराई थी तो उसे किसी प्रकार की सूचना मिली थी, लेकिन वह भागने की जल्दी में था और उस समय उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब सिस्टम उसे बताता है तो वह इसके बारे में याद करता है और जल्दी से मसाज पैनल खोलता है। संदेश पैनल, पिकपॉकेट सफल, होस्ट चोरी, निम्नतम ग्रेड भंडारण स्थान खजाना 1, निम्नतम लेवल की गोलियां श्वेत रैंक वाली गोलियां 393, निम्न लेवल की गोलियां ग्रीन रैंक वाली गोलियां 102, मध्यम स्तरीय निम्न लेवल की गोलियां नीली रैंक वाली गोलियां 3, निम्नतम लेवल के हथियार 1 स्टार 44, निम्न ग्रेड हथियार 2 स्टार 8, मध्यम स्तरीय निम्न ग्रेड हथियार 3 सितारे 1, निम्नतम स्तर नश्वर स्तर की तकनीकें और कौशल 4 तकनीकें 9 कौशल, निम्न स्तर योद्धा स्तर की तकनीकें और कौशल 2 तकनीकें 4 कौशल, रूबी सिक्के 12.4 मिलियन, एनर्जी स्टोन स्ट्रैश ग्रेड निम्न स्तर 98,762, निम्न ग्रेड दास अनुबंध 2 सितारे 3, औषधीय जड़ी बूटियां और निम्न लेवल के धातु अयस्क हरारंग 2 स्टार 87 जड़ी बूटियां 52 धातु अयस्क, पुरस्कार 653 चोर अंक 703। एस ने जो देखा उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। उसने फिर से जांचने के लिए अपनी आंखें मली, लेकिन वह बड़ी सूची अभी भी वहीं थी। टीपी की वह भारी मात्रा अभी भी वहां थी। वह भूल जाता है कि वह इस समय केल्बी परिवार के खजाने के अंदर खड़ा था क्योंकि उत्साह से उसका दिल भर जाता है और वह पागलों की तरह हंसता है। मैं अमीर हूँ, वह बूढ़ा आदमी अपनी संपत्ति अच्छी तरह से छुपाता है। उसके पास ये गोलियां, हथियार, तकनीक और यहाँ तक कि ऊपरी स्तर की भूमि की मुद्रा भी है। आखिर उसे यह कहाँ से मिला? एस खुशी से बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखों में अनिश्चितता का संकेत था। एस अब बाहरी क्षेत्र का लड़का नहीं रहा।
उसने राज्यों के बारे में एक पुरानी किताब पढ़ी है और जानता था कि वे एनर्जी स्टोन्स को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। वह ये भी जानता है कि इन योद्धास्त्र के कौशल और तकनीकों पर उनका एकाधिकार था और अगर उन्हें पता चलता है कि ग्रांट के परिवार के पास उनमें से बहुत सारे हैं तो वे संभवतः पूरे रिवर फ्लावर सिटी को अंतिम मुर्गे तक नष्ट कर देंगे। उस कमीने ने जरूर किसी राज्य में किसी को लूटा होगा या उसे यह अंगूठी कहीं मिल जाएगी। उसने गंभीर रूप से सोचा और उसका अनुमान बेहद सटीक था। कई साल पहले रिलन को एक राज्य का विशेषज्ञ मिला। वह विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गया। रिलन उसकी मदद करने ही वाला था कि उसने दूर से उसे स्टोरेज रिंग का उपयोग करते हुए देखा। वह काफी जानकार था और उसने अपने पारिवारिक गुप्त अभिलेखों में इन पौराणिक भंडारण खजानों के बारे में पढ़ा था। इन अंतरिक्ष खजानों का प्रबंधन कौशल की तरह ही ऊपरी स्तर की भूमियों द्वारा किया जाता था, लेकिन अगर किसी के पास कनेक्शन और एनर्जी स्टोन्स हैं तो उसे स्टोरेज रिंग मिल सकती है। रिलन ने स्थिति का फायदा उठाया और उस आदमी को मार डाला और भंडारण की अंगूठी और उसमें मौजूद सारा सामान ले लिया। यहां तक कि रिलन ने उसके शरीर को जलाकर राख कर दिया और कोई निशान नहीं छोड़ा ताकि कोई भी उसके बारे में पता न लगा सके। इसीलिए रिलन उस समय इतना घबरा गया था जब स्टोरेज रिंग गायब हो गई थी। उसने सोचा कि जिस कल्टीवेटर को उसने मार डाला था उसी राज्य ने उसका पता लगा लिया है और वह अपने मृत सदस्य का बदला लेना चाहता है। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी अंगूठी बंजर भूमि के एक छोटे लड़के ने चुरा ली है तो उसने राहत की सांस ली और इससे पहले कि कोई उसके सबसे बड़े रहस्य का पता लगा सके ऐस की खोज शुरू कर देता है। ऐस शांत हो जाता है और इस बड़ी सूची के नीचे एक और संदेश देखता है। बधाई हो, विशेष शर्तें पूरी कर दी गई हैं। होस्ट के पास अब भंडारण स्थान का खजाना और 500 टीपी से अधिक है। अब होस्ट सिस्टम के नए फंक्शन को अनलॉक कर सकता है। चोरी की जगह 10 मीटर। ऐस इस विशेष सूचना से हतप्रभ रह गया और अचानक उसके चेहरे पर खुशी उभर आई। सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि मुझे अब स्पेस रिंग की आवश्यकता नहीं है और आप मेरे लिए मेरी चीजें स्टोर कर सकते हैं। क्या आप भी स्टोरेज स्पेस का खजाना है? ऐस ने सोचा कि अंततः उसे पता चल गया कि खजाना प्रणाली किस प्रकार की थी, लेकिन प्रणाली के प्रतिकूल उत्तर को सुनने के बाद नहीं, सिस्टम केवल भंडारण स्थान का खजाना नहीं है। क्या आप थी फर्स्ट स्पेस फंक्शन को खोलना चाहते हैं या नहीं? सिस्टम ने भावनाहीन आवाज में फटकार लगाए। ऐस का अनुमान है कि उसने इसे अंतरिक्ष खजाना कहकर सिस्टम को नाराज कर दिया है, इसलिए वह तुरंत विषय बदल देता है। मैं इस चोर स्थान को कैसे खोल सकता हूँ? उसने उत्साह और उम्मीद से भरे हुए पूछा। अपना खुद का भंडारण स्थान पाने के विचार मात्र से ही उसका खून खौलने लगता है। चोर के स्थान को अनलॉक करने के लिए किसी भी रैंक का भंडारण स्थान खजाना और 500 चोर अंक आवश्यक हैं। इतना महंगा, ऐस जोर से गुर्राता है क्योंकि उसकी आवाज शिकायत से भरी होती है। इन सभी लूटों और विशेष रूप से 700 जोर टीपी को देखकर अंततः वह एक अमीर आदमी की तरह महसूस कर रहा था, लेकिन अब इस काले दिल वाले सिस्टम को उसकी 500 टीपी एक साथ चाहिए थी। यहां तक कि हेवन स्टील गोली, जो सिस्टम शॉप में सबसे महंगी चीज थी, उसकी कीमत केवल 150 टीपी थी। वह इससे दुखी कैसे नहीं हो सकता था। इसे करें, ऐस ने मच्छर जैसी आवाज में कहा। अपने टीपी को 703 से 203 में बदल गया देखकर उसे लगा कि उसके दिल से खून बह रहा है। इस चोर के अंतरिक्ष कार्य के बारे में सोचने के बाद वह जल्दी से खुद को खुश कर लेता है। बधाई, आपका 10 क्यूबिक मीटर का चोर भंडारण स्थान अनलॉक हो गया है। अगले अपग्रेड के लिए आपको चोर के स्थान को 40 क्यूबिक मीटर तक बढ़ाने के लिए 1000 टीपी और किसी भी रैंक के 2 भंडारण स्थान खजाने की आवश्यकता है। चोर का स्थान केवल निर्जीव प्राणियों को संग्रहित कर सकता है। यदि होस्ट लिविंग बीइंग्स को अंदर संग्रहित करना चाहता है, आपको इसे 10 लो ग्रेड स्टोरेज स्पेस खजाने और 5000 टीपी के साथ अपग्रेड करना होगा। एस हेड के अंदर सिस्टम की ठंडी आवाज प्रसारित हुई। उसकी उंगली पर नीली अंतरिक्ष अंगूठी अचानक धूल में बदल गई और अचानक उसकी आत्मा उत्तेजित होने लगी। एक क्षण बीतने के बाद अचानक उसे महसूस हुआ कुछ नया, जो अब उसकी आत्मा का हिस्सा था, और यह एक चकित कर देने वाला एहसास था। इसी समय उसके मस्तिष्क में एक नई जानकारी उभरी और एक विचार के साथ उसके हाथ में एक पीली पुरानी किताब आ गई। ये कौशल पुस्तक थी जो पहले नीले रिंग में संग्रहित थी, और अब भंडारण रिंग में मौजूद अन्य सभी चीजें उसके चोर के स्थान के अंदर थी। बस एक विचार के साथ वह किताब उसके हाथ से गायब हो गई और उसके 10 घन मीटर अंधेरे चोर स्थान के अंदर फिर से प्रकट हो गई। वे सभी टीपी इसके लायक थे, लेकिन इस स्थान को अपग्रेड करने के लिए मुझे काफी टीपी खर्च करना होगा। ये बहुत महंगा है। खैर, यह जगह अभी के लिए काफी बड़ी है। सिस्टम के नए फंक्शन को समझने के बाद एस तुरंत वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है और जल्दी से अपना काम करना शुरू कर देता है। एस को नहीं पता था कि वह क्या ले रहा है, लेकिन वह अपने हाथ के संपर्क में आने वाली किसी भी चीज को संग्रहित कर रहा था। चूंकि उसके पास किंगडम से मिले सभी खजाने हैं, इसलिए उसे केल्बी परिवार के इस खजाने से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अथक रूप से इधर उधर दौड़ने के बाद उसने आखिरकार उस पूरे कमरे को साफ कर दिया जो 5 मिनट पहले खजाने से जगमगा रहा था।
इस स्वच्छ खाली कमरे को देखने के बाद उसने संतुष्टि से सिर हिलाया, मिशन पूरा। भागने का समय। उसने जल्दी से चांदी का दरवाजा बंद किया और बाहर निकलने की ओर भागा। श्वेत स्तंभ के गुप्त द्वार से बाहर आकर उसने उसे बंद कर दिया और वह व्यूह पुनः सक्रिय हो गया और पुनः श्वेत स्तंभ बन गया। बिना अंदर गए कोई नहीं बता पाएगा, खजाना पहले ही खाली हो चुका था। एस छिपे हुए दरवाजे से बाहर निकलता है। हवेली से सफलतापूर्वक भागने के बाद वह सीधे इवा की कुटिया की ओर जाता है ताकि उसे लेने के लिए और इस शहर को छोड़ सके। वह अपना जन्मस्थान नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा किए बिना वह मजबूत नहीं बन सकता था और अपनी छोटी बहन से नहीं मिल सकता था। एस तेजी से इवा की झोपड़ी के पास पहुंचा और वह पहले से ही दरवाजे के बाहर उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही थी। क्या आप सफल हुए? ईव ने चिंतित आंखों से जल्दी से उससे पूछा। एस ने मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं आपको विवरण के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले हमें शहर छोड़ना होगा। कल बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। आपका बैग काफी भारी लग रहा है। धीरे करो, मुझे इसका ध्यान रखने दो। ये कहते हुए उसने इवा के हाथ में बड़े बैग को छुआ और उसे अपने चोर स्थान के अंदर रख दिया। इवा उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसका बैग हवा में गायब हो गया था। ये वही दृश्य था जो उसने वर्षों पहले रिलिन को करते हुए देखा था और इसने उसके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी, इसीलिए उसे यह भी याद है। लेकिन अब एस भी उसी तरह का काम कर रहा था। वह चौंक गई और हैरानी से पूछा, आप कैसे? इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, एस ने तुरंत कहा, इस शहर को छोड़ने के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, अब चलें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उसने फिर से खामोश कदम उठाए और केल्बी परिवार के मुख्य द्वार की ओर भागा। उसने चोरी छिपे का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया क्योंकि चोरी छिपे अपने चरम पर होने पर इवा उसका पीछा नहीं कर सकती थी। इवा के पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एस जल्दी में था इसलिए वह केवल उसका अनुसरण कर सकती थी और बाद में पूछ सकती थी। वे केल्बी के परिवार को आराम से छोड़कर आंतरिक क्षेत्र के गेट की ओर चले गए। उस रात दो छायाचित्र रिवर फ्लावर सिटी के बाहर जंगल में गायब हो गए। गायब होने से पहले उन दो आकृतियों में से एक ने हिलना बंद कर दिया और आखिरी बार खूबसूरत शहर को देखने के लिए घूमा। यह मुस्कुराया और कहा, मैं वापस आऊंगा, और विशाल जंगल के अंदर गायब हो गया। 5 मिनट के बाद इवा और एस ने केल्बी परिवार को छोड़ दिया। रिलिन की आकृति केल्बी परिवार के गेट के बाहर दिखाई दी। रिलिन अपने सामान्य शांत और अलग स्वभाव की तरह नहीं दिख रहा था। वह अस्त व्यस्त था और जोर जोर से हांफ रहा था। उसने पूरे ग्रांट परिवार की खोज की और उसे एस की छाया भी नहीं मिली। तब उसके पास अपने दामाद केल्बी परिवार के वर्तमान मुखिया से मदद मांगने के लिए यहां आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह अपमानजनक था, लेकिन वह कोई अन्य रास्ता नहीं सोच सका। वह नहीं चाहता था कि दूसरों को उस स्टोरेज रिंग के बारे में पता चले। यदि यह रहस्य खुल गया तो वह अपने पूरे परिवार या शायद पूरे शहर सहित मर जाएगा। केल्बी परिवार के पास एक विशेष खजाना है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी अनोखी गन से ढूंढ सकता है। उसके हाथ में वह बड़ा बैग है जिसे एस ने आज सुबह पकड़ा था। यह उसका आखिरी मौका था और उसे सफल होना ही है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रिलिन सीधे गेट में प्रवेश करता है और सीधे केल्बी परिवार की मुख्य हवेली की ओर जाता है। वे गेट गार्ड इस अचानक घुसपैठिए से चौंक गए और अलार्म बजाने ही वाले थे कि उन्होंने रिलिन का चेहरा देखा। उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और उसे जाने दिया। रिलिन तेजी से बड़ी हवेली के बाहर आया और उसमें घुसने ही वाला था कि उसे लगा कि दो एनर्जी उस पर बंद हैं। हम्फ, वह ठंडे स्वर में खर्राटे लेता है और अपने कल्टीवेशन के आधार का दबाव कम कर देता है। वे दोनों बुजुर्ग तुरंत छिप कर आए और रिलिन को प्रणाम किया। हम मास्टर ग्रांट को नमस्कार करते हैं, कृपया हमारे पिछले अपराध को क्षमा करें। रिलिन के पास बातचीत करने और चिल्लाने का समय नहीं था। लायला, सुमियान, बाहर आओ और मुझे अभी देखो। रिलिन ने सीधे परिवार के मुखिया को उसके नाम से बुलाया और वे दोनों बुजुर्ग तिरछी नजर से मुस्कुराए। उसे इस तरह बुलाने की हिम्मत सिर्फ उसी में है, अगर कोई और होता तो अब तक मर गया होता। रिलिन ने अपनी आवाज को बढ़ाने के लिए अपने साधना केंद्र का उपयोग किया और पूरा क्षेत्र उसकी आवाज से गूंज उठा। हवेली का दरवाजा खुलता है और लगभग 30 साल का एक आदमी अपने बगल में एक खूबसूरत महिला के साथ बाहर निकलता है। वह कुछ कुछ रिलिन से मिलती जुलती थी, लेकिन वह अधिक आकर्षक थी। वह रिलिन की बेटी लायला ग्रांट और आशेर की माँ थी। उसके बगल वाला व्यक्ति केल्बी परिवार का वर्तमान मुखिया और आशेर पिता सुमियान केल्बी था। सुमियान देख सकता था कि रिलिन अपने पीले रंग के कारण उतना अच्छा नहीं लग रहा था और उसके बाल उलझे हुए थे। उसने तुरंत पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उनके बगल में लायला ने भी अपने पिता की हालत देखी और उत्सुकता से पूछा, पिताजी आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कुछ हुआ? रिलिन ने अपनी बेटी की चिंतित अभिव्यक्ति देखी और अपने दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन उसे तुरंत याद आया कि अगर उसे वह लड़का नहीं मिला तो उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा।
यह इस तरह है, उन्होंने आज घटी घटनाओं के बारे में तुरंत बताया। उसने हमारे कबीले के नश्वर ग्रेट कौशल को चुरा लिया है, और इससे पहले कि वह कहीं और भाग जाए, मुझे उसे ढूंढना होगा। सुम्यान ने मुझे आपका कबीला और डायरेक्शन कंपास उधार दिया है, और जब मुझे वह लड़का मिल जाएगा तो मैं उसे उधार दे सकता हूँ। मेरा परिवार 6 महीने के लिए केल्बी परिवार को नश्वर कौशल प्रदान करता है। उसने तुरंत नश्वर ग्रेट कौशल के साथ अपनी अंतरिक्ष रिंग बदल दी, क्योंकि यह वास्तव में उसमें थी। वह कोई झूठ नहीं बोल रहा था। रिलन का वादा सुनकर सुम्यान की आंखें चमक उठी। वे बुजुर्ग भी जो किनारे पर खड़े थे पकड़ लेते हैं। सुम्यान हमेशा वह कौशल सीखना चाहता था, लेकिन रिलन ने उसे कभी ऐसा नहीं करने दिया। लेकिन अब तो वह पूरे 6 महीने के लिए इसकी पेशकश कर रहा था, तो भला उससे सहमति कैसे ना बनती। हाहाहा, ससुर जी, हम परिवार हैं, क्योंकि वह हरामी आपसे चोरी करने की हिम्मत करता है, इसका मतलब है कि वह मुझसे चोरी करता है। चलो अंदर चलें और मैं खजाने से आपके लिए वह कंपास ले आता हूँ। उसने रिलन की सहमति की प्रतीक्षा नहीं की और तेजी से राजकोष की ओर बढ़ गया। उसे डर था कि रिलन अपना मन बदल लेगा और अपने शब्दों से मुकर जाएगा। अपने पति की बेशर्म बातें सुनकर लायला चिल्ला उठी। वह उसे किसी और से ज्यादा जानती थी। वह तब तक कुछ नहीं करते थे जब तक उन्हें इसमें फायदा नजर नहीं आता। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और रिलन से सौम्य स्वर में कहा, पिताजी अंदर आओ और थोड़ी देर आराम करो। वह छोटा गुलाम ज्यादा दूर नहीं भाग सकता, हम उसे सभी दिशाओं में दिशा सूचक यंत्र से ढूंढ लेंगे। वह बच नहीं सकता, लायला ने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि वह और डायरेक्शन कंपास मीलों दूर से भी किसी को ढूंढ सकता है। रात में उनकी नजरों में ये कल्पना करना असंभव था कि चोर तय समय में शहर से भाग सकता है। उसकी गारंटी सुनने के बाद रिलन थोड़ा शांत हुआ और उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर अंदर चला गया। चूंकि वे दोनों बुजुर्ग पहले से ही यहां थे, लायला ने उन्हें विनम्रता से चाय के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वैसे भी वे उस बवा या अधिक सटीक रूप से उस नश्वर लेवल के कौशल को खोजना चाहते थे। रिलन और वे दो बुजुर्ग अभी हवेली में दाखिल हुए ही थे कि उन्होंने सुम्यान को एक कुत्ते की तरह चीखते हुए सुना, जो मरने वाला था। सभी घबरा गए और तेजी से उसकी आवाज का अनुसरण करते हुए सफेद खंभे में घुस गए। वे तेजी से चांदी के दरवाजे की ओर बढ़े और खजाने में प्रवेश कर गए। अंदर उन्होंने देखा कि सुम्यान जमीन पर पड़ा हुआ था और उसका चेहरा लगातार हिल रहा था, और वह किसी पागल की तरह बार बार बड़बड़ा रहा था, सब चले गए। लायला ने सबसे पहले अपने पति को देखा और उसके चेहरे पर चिंता छा गई। वह उससे पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ, तभी उसने देखा कि खजाना खाली है। हाँ, ये खाली था। उसने आवाज भी नहीं की और उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं, और इस भारी सदमे से वह वहीं बेहोश हो गई। उन दो बुजुर्गों और रिलान ने भी यह सब देखा और मूर्खतावश दंग रह गए। मैं, क्या ये सचमुच कोई खजाना है? रिलन ने अपने जीवन में पहली बार शटर गिराया। उस रात एक बड़ी खबर आई जिसने पूरे रिवर फ्लावर शहर में शांति फैला दी। किसी ने ग्रांट परिवार से उनके नश्वर लेवल कौशल को लूट लिया है, और यह सबसे अधिक संभावना है कि उसी व्यक्ति ने पूरे केल्बी परिवार के खजाने को लूट लिया है। यहां तक कि सिटी लॉर्ड मैथी जबी इस अप्रत्याशित समाचार को सुनने के बाद अपनी एकांत साधना से बाहर आ गए। रिवर फ्लावर शहर छोड़ने के बाद एस और ईवा पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। चूंकि सभी बड़े शहर पश्चिम में हैं, वे रेड माउंटेन सिटी जा रहे थे, जो पश्चिमी और पूर्वी निचले स्तर की भूमि के बीच कहीं था। रेड माउंटेन रिवर फ्लावर सिटी के आसपास निकटतम एक स्टार शहर भी था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रांट या केल्बी परिवार से कोई भी एक स्टार शहर में स्वतंत्र रूप से घूमने की हिम्मत नहीं करेगा। रेड माउंटेन सिटी रिवर फ्लावर सिटी से 5 दिन की दूरी पर था। उन्होंने पूरी गति से जंगल में दसियों मील की यात्रा की, क्योंकि उन्हें डर था कि उन दो परिवारों ने उनके पीछे अतिरिक्त सेना भेज दी होगी। ये ध्यान में रखते हुए एस ने आज जो कुछ भी किया उसके बाद वह लगभग एनर्जी से बाहर हो गया था। उसने और ईवा ने रात के आराम के लिए एक खाली गुफा खोजने से पहले 6 घंटे की यात्रा की। अपने निशान छुपाने के बाद और गुफा के प्रवेश द्वार को सावधानी से बंद कर दिया। ईवा ने अंधेरी गुफा में आग जलाई। मुझे मेरा बैग दो, मैंने कुछ राशन पैक कर लिया है। जब एस अपना नौकरी कर रहा था तो ईवा ने यात्रा के लिए वह सब कुछ पैक किया जो वह कर सकती थी। एस गुफा की दीवार के सहारे झुककर जोर जोर से हॉन्फ रहा था। उसकी एनर्जी पर अधिक दबाव पड़ने के कारण उसका रंग बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने आज खुद को मात दे दी। जब उसने ईवा की आकर्षक आवाज सुनी तो वह बुरी तरह मुस्कुराया और अपने विचारों से बाहर निकल गया। वह जल्दी से अपने चोर के स्थान से ईवा का बैग निकाल लेता है। ईवा ने एस को हवा में से अपना बैग निकालते हुए देखा और फिर से उससे अभिभूत होकर वह एशियन एस के बारे में भूल गई और एक जिज्ञासु बच्चे की तरह पूछा, अब मुझे जल्दी बताओ, आप रिलन जैसी चीजें कैसे कर सकते हैं? एस पहले थोड़ा ठीक होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए देखकर उसे तेजी से याद आया कि वह एक बकबक थी, और अगर उसने उसे भंडारण स्थान के खजाने के बारे में नहीं बताया तो वह उसे बहुत परेशान करेगी। आह, वह असहाय होकर आह भरता है और उससे कहता है, आज मीटिंग में मैंने रिलन को ऐसे ही देखा।
एस उसे बताता है कि आज क्या हुआ, जबकि ईवा चमकती आंखों से सुनती है। 15 मिनट के बाद एस की कहानी आखिरकार खत्म हो गई और उसे ईवा की परवाह नहीं थी, जो हैरान थी और उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई राक्षस हो। वह किसी जंगली जानवर की तरह पका हुआ मांस खाने लगता है। तुमने सचमुच ये सब आधे घंटे में कर डाला। वह एस पर अपनी कांपती हुई उंगली उठाती है, जबकि वह सदमे में बोली। उनकी मूल योजना ये थी कि एस सफलतापूर्वक ग्रेसी का विश्वास जीतने के बाद वह ग्रेसी को किसी तरह ग्रांट परिवार के खजाने के बारे में राज उगलवा देगा। वह सिस्टम का पता नहीं लगा सकता क्योंकि यह केवल उसके मिशन लक्ष्यों के साथ काम करता है। एस को जानकारी मिलने के बाद वह ईवा को सूचित करेगा। उन्हें ये फायदा हुआ कि ईवा को केल्बी परिवार के छिपे हुए खजाने के बारे में पता चल गया, इसलिए एस को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक बार जब वह ग्रांट के पारिवारिक खजाने की स्थिति की पुष्टि कर देता है, एस कार्रवाई करेगा और पूरे ग्रांट के खजाने को लूट लेगा। वह जानता है कि राजकोष नियमित रूप से खुले नहीं रह सकते हैं, और यदि उन्होंने ग्रांट के पारिवारिक खजाने को बिना किसी को बताए खाली कर दिया तो कोई नहीं जानता कि खजाना कब खुलेगा। इस बीच वे पहले ही केल्बी परिवार के खजाने पर हमला कर चुके होंगे और दोनों परिवारों को लूटने का अपना काम पूरा कर चुके होंगे। यह उनकी मूल योजना थी, लेकिन एस ने यह सब आधे घंटे में कर लिया और उसे भंडारण स्थान खजाने जैसी एक पौराणिक वस्तु भी मिल गई। ईवा मूर्खतापूर्ण तरीके से कैसे स्तब्ध नहीं रह सकती थी। एफओवाफ तो क्या, एस ने खाते समय सहजता से उत्तर दिया। हम्फ, धीरे करो, नहीं तो दम घुट कर मर जाओगे। एस का प्रसन्न चेहरा देखकर वह फूल गई। हालांकि ईवा को स्वीकार करना होगा कि इस 12 वर्षीय लड़के ने आधे घंटे में 2 स्टार शहर के 2 सबसे शक्तिशाली परिवारों को लूट लिया है। वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करती है। मुझे बताओ कि तुम्हें राइलन स्पेस रिंग के बारे में कैसे पता चला और उसे यह कैसे मिला। मुझे नहीं पता कि वह इसे कैसे प्राप्त करता है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, भले ही उसके पास धन हो, वह स्पेस रिंग और इन सभी तकनीकों जैसी चीजें नहीं खरीद सकता। मेरा अनुमान है कि उसे यह स्पेस रिंग किसी के शव पर मिली है। एक राज्य, जहां तक ये बात है कि मुझे उस अंतरिक्ष वलय के बारे में कैसे पता चला, यह एक व्यापार रहस्य है। एस रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। इसके अलावा पहले एस को सिस्टम के बारे में कुछ संदेह था, लेकिन बाद में सिस्टम ने उसे थिफ स्पेस जैसा स्टोरेज स्पेस दिया जैसे कि यह कुछ भी नहीं था और उसके पास इसे अपग्रेड करने का विकल्प भी था। अब उसे यकीन हो गया कि यह व्यवस्था इस दुनिया के बाहर से आई है और वह कभी भी इस व्यवस्था के बारे में किसी को नहीं बताएगा, यहां तक कि अपनी छोटी बहन को भी नहीं। ऐसा नहीं है कि उसे एलिना पर भरोसा नहीं था, बात सिर्फ इतनी है कि वह उसके लिए कोई परेशानी नहीं लाना चाहता था, क्योंकि अगर एक दिन कोई उसके रहस्यों या सिस्टम की तलाश में आता है तो उसके पास किसी प्रकार का स्वर्ग परिभाषित खजाना हो सकता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस बारे में कभी किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे अपने रहस्य हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। अब मुझे अनुबंध दो ताकि मैं इस शापित मुखौटे से छुटकारा पा सकूं। एस को रहस्यमय तरीके से व्यवहार करते देख ईवा अप्रसन्न हो गई और अंततः उसने हार मान ली। वह बस अब खुद को इस मुखौटे से मुक्त करना चाहती थी। इक्के ने भी देर नहीं की और पत्थर की 3 पतली स्लेटें निकाल ली। उन पर रहस्यमय आकृतियां उकेरी हुई थी। ये पत्थर के स्लेट आइटम दास अनुबंध थे। दास चिन्ह दास अनुबंध के सबसे कमजोर रूप थे। वे आमतौर पर नश्वर लोगों और कुछ कमजोर एनर्जी गेट्स क्षेत्र के कल्टीवेटर पर उपयोग किए जाते थे। गुलाम अनुबंधों पर किसी का खून लेकर उस पर गुलाम के निशान लगाए जा सकते हैं और यदि कोई इतना मजबूत नहीं है तो वह विरोध नहीं कर सकता है। लेकिन ईवा का मुखौटा एक उच्च स्तरीय दास अनुबंध था। यह एक आइटम दास अनुबंध था। यह एक वस्तु और एक अनुबंध का एक साथ एक सेट था। वह एक शैतान थी, इसलिए उसे उन सामान्य दास अनुबंधों से नहीं बांधा जा सकता था, भले ही वह मजबूत न हो। हालांकि राइलिन को यह आइटम स्लेव कॉन्ट्रैक्ट उस स्पेस रिंग में मिला है। इनका उपयोग विशेष रूप से एनर्जी फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र या विशेष क्षमताओं वाली अन्य दौड़ों में किया जाता था। उसने सोचा कि चून की ईवा आधी शैतान थी, इसलिए वह भविष्य में मजबूत होगी, इसलिए उसने उस पर यह दास वस्तु थोप दी ताकि वह भविष्य में उसे नियंत्रित कर सके। यदि वह खुद को इस आइटम स्लेव अनुबंध से मुक्त करना चाहती है तो उसे एनर्जी फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र से ऊपर एक क्षेत्र एनर्जी नदी क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। तुम्हारा कौन सा है? एस ने उसे वे 3 पत्थर की स्लेटें दिखाई। जब ईवा ने उन दास अनुबंधों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत इस अनुबंध के केंद्र में एक रहस्यमय पैटर्न की ओर इशारा करती है जो लोमड़ी की तरह दिखता है, वह वाला। इसे मुझे दे दो, ईवा ने उत्साह से कहा। एस ने कुछ भी नहीं कहा और उसे अनुबंध नहीं दिया, क्योंकि वह भी उसे मुक्त करना चाहता था क्योंकि वह उसे अपना पहला दोस्त मानता था। ईवा तुरंत अनुबंध हासिल कर लेती है और फिर उसने लोमड़ी जैसी नक्काशी वाली पत्थर की स्लेट को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। जैसे ही पत्थर की स्लेट टूटती है, वह मुखौटा टूटकर बिखरने लगता है जिसने ईवा को इतने वर्षों तक पीड़ा दी थी।
जब उसके चेहरे पर लगा नकाब टूटा तो ईवा का चेहरा कई सालों में पहली बार सामने आया। एस ने उसका चेहरा देखा और तुरंत उस पर मोहित हो गया। ईवा का चेहरा अंधाकार था जिसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं थी। उसकी त्वचा मलाईदार और कोमल थी और अप्रत्याशित रूप से वह किसी भी तरह से छोटी एलिना से कमतर नहीं थी। एक परिपक्व लुभावनी सुंदरता, अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ वह एस को अपनी लोमड़ी जैसी भूरी आंखों से देख रही थी और उसकी सुंदर छवि एक प्रभावशाली तरीके से झलकने लगती है। उसकी उन आंखों में दौड़ती शक्ति के साथ साथ उसे आसानी से एक अल्पथलग परलोकवासी प्राणी समझने की भूल की जा सकती थी। ईवा का आकर्षक चेहरा देखने के बाद एस सांस लेना लगभग भूल गया। पहले उसने सोचा था कि एलिना के परिपक्व होने पर ही उसका ऐसा चेहरा हो सकता है, लेकिन अब एलिना के समान स्तर की एक और सुंदरता को देखकर वह चकित हो गया। ईवा ने देखा कि एस लार टपका रहा था जबकि वह उसे मूर्ख की तरह देख रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। आखिरकार मैं इस शाप से मुक्त हो गया, वह अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए सोचती है। तुम मुझे बेवकूफ की तरह क्यों घूर रहे हो? क्या तुमने पहले कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? ईवा खिलखिलाते हुए एस को चिढ़ाती है। एस अपनी स्तब्धता से बाहर निकला और उसने तुरंत अपने होठों पर एक लार देखी और वह शर्मा गया। उसे ईवा के चेहरे से नजरें हटाने में कठिनाई हो रही थी। वह वाकई खूबसूरत है, एस को अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। लेकिन इससे पहले कि वह पता लगा पाता, उसे लगा कि ईवा की शक्ति तेजी से बढ़ रही है और गंभीर हो गई है। ईवा को यह भी लगता है कि उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ने लगी है। इन सभी वर्षों में उसने केवल एनर्जी गेट्स का दूसरा द्वार खोला है। अब एक पल में तीसरा द्वार पहले ही खुल चुका था और उसकी कल्टीवेशन अभी भी बढ़ रही थी। एनर्जी गेट्स का चौथा गेट, लेकिन ये फिर भी यही नहीं रुका। कुछ ही सेकंड में ईवा की आभा आसमान छूने लगी और उसने पांचवां गेट खोल दिया। ईवा का कल्टीवेटर अंततः एनर्जी गेट्स क्षेत्र के शिखर पर रुक गया। वह एनर्जी फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर थी। .. ये क्या हुआ? ईवा हतप्रभ थी। एस भी अभिभूत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत रिलिन के समान स्तर तक पहुंच जाएगी। मुझे लगता है कि इसका उस गुलाम मुखौटे से कुछ लेना देना है, वह बेतुका अनुमान लगाता है। मेरे सही सही विचार, वह इससे सहमत थी। वे सही थे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इन आइटम दास अनुबंधों के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि वे अपने होस्ट को एनर्जी नदी क्षेत्र में कभी भी घुसने नहीं देंगे। होस्ट के शरीर पर गुलाम वस्तु हमेशा उनकी एनर्जी को लगातार चूसती रहेगी और एक छोटे से दायरे से होकर पूरे पूरे दायरे को तोड़ना बेहद मुश्किल बना देगी। लेकिन अगर किसी तरह वस्तु का होस्ट एनर्जी नदी क्षेत्र में घुसने में कामयाब हो जाता है तो दास वस्तु उन सभी एनर्जी को छोड़ देगी जो उसने अपने होस्ट से इतने वर्षों से चुराई थी और खुद को नष्ट कर देगी, और दास वस्तु का होस्ट दास वस्तु के साथ ही मांस के पेस्ट में बदल जाएगा। राइलिन ने ईवा पर एक साम्राज्य से प्राप्त इस बहुमूल्य वस्तु दास अनुबंध को बर्बाद कर दिया ताकि वह उसे नियंत्रित कर सके, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि यह वस्तु इन सभी वर्षों में ईवा की आधे से अधिक एनर्जी को चूस रही है। यही कारण था कि आधी शैतान होने के बाद भी वह एनर्जी गेट्स दायरे के दूसरे चरण में फंसी हुई थी। अब अनुबंध हटा दिया गया है, इसलिए वह सारी एनर्जी जो वर्षों से उस मुखौटे में संग्रहित थी ईवा को वापस दे दी गई और वह एक ही चरण में एनर्जी गेट्स के दायरे के चरम चरण पर पहुंच गई। इसके अलावा चूंकि ईवा आधी शैतान थी, इसलिए एनर्जी नदी क्षेत्र तक पहुंचने तक उसकी कल्टीवेशन में कोई बाधा नहीं आई। ईवा ने भावनात्मक रूप से सोचा, मुझे लगता है कि यह वह पुरस्कार है जो मुझे मेरे सभी वर्षों के कष्टों के बाद मिला है। अब वह सचमुच आजाद थी। ऐसा अभी भी ईवा के आकर्षक चेहरे को देख रहा था, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने सोचा टीम के सदस्य के रूप में ईवा जैसी शक्तिशाली सुंदरता का होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। एस दिवास्वप्न देख रहा था जब ईवा का ध्यान फिर से उस पर गया और उसने घबरा कर तुरंत दूसरी ओर देखा और थोड़ा शर्माया, जैसे कि वह कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया हो। एस की मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति देखकर ईवा चिढ़ गई और बोली, आपको पहले खाना चाहिए। मैं अपनी शक्ति में अचानक वृद्धि के कारण कल्टीवेशन करने जा रही हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अपने शैतान वंश की कुछ नई यादें जगाई हैं। इसलिए मुझे परेशान मत करो और अपनी आंख के कोने से मुझे झांकना बंद करो। अगर तुम देखना ही चाहते हो तो बस ऐसे देखो जैसे मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। आखिरकार मैंने भी नहीं देखा कि इतने सालों के बाद मैं अब कैसा दिखता हूँ, और तुम पहले हो मुझे देखने के लिए व्यक्ति, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति से मुझे लगता है कि मेरा चेहरा उतना बुरा नहीं है। ईवा एस को चिढ़ाते हुए हंसी, जिसका चेहरा रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद और अधिक लाल हो गया है। एस ने खुद को ईवा के चेहरे से अपना ध्यान हटाकर अपने भोजन पर केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। उसे आज एक अजीब तरह की अनुभूति हो रही थी जिसे लेकर वह बहुत असमंजस में था। मैंने मूर्ख की तरह व्यवहार क्यों किया? ऐसा नहीं है कि मैंने इस तरह की सुंदरता पहले नहीं देखी। वह फिर से खाना शुरू कर देता है और ईवा कुछ बड़बड़ाते हुए गुफा के कोने पर बैठ जाती है। वह अपनी शैतान कबीले की कल्टीवेशन की तकनीक का अभ्यास कर रही थी।
अपना भोजन समाप्त करने के बाद वह काफी बेहतर महसूस करता है। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने उत्सुकता से अपने मन में ये संदेश भेजा, सिस्टम मैंने अपना दूसरा मिशन पूरा कर लिया है तो मेरे पुरस्कार कहाँ हैं? उसने संयोग से 500 टीपी से अधिक प्राप्त कर लिए हैं और अब उसने अपना मिशन पूरी तरह से पूरा कर लिया है, इसलिए उसे बड़े पुरस्कार की उम्मीद थी। खास तौर पर वह जॉब मिशन, उसे लेकर वह सबसे ज्यादा उत्सुक थे। एस की आंखों के सामने काला मिशन पैनल दिखाई देता है। मूल्यांकन प्रक्रिया को घूरते हुए, मिशन पैनल, सम्माननीय चोर की गरिमा, कोई चोर से चोरी करने की कोशिश कर रहा है और यह अस्वीकार्य है। नतीजतन, होस्ट को घृणित चोरी करने वाले को दिखाना होगा कि असली चोर कौन है। होस्ट को पूरा केल्बी परिवार खजाना खाली करना होगा। चोर का सम्मान आपके हाथ में है होस्ट। स्थिति, पूर्ण। होस्ट प्रदर्शन को स्कैन करना 1.2.3, 100% पूर्ण। परिणाम, प्रदर्शन रेटिंग औसत। पहले तीन मिशनों के लिए पुरस्कार 2x होंगे, दूसरा 2x इनाम अब दिया जाएगा। 2x इनाम, EXP 5000, सोल पॉइंट्स SP 2000, चोर अंक TP 850, पुरस्कार होस्ट स्थिति में जोड़ दिए गए हैं। दूसरा इनाम, जॉब मिशन दिया गया है। कार्य मिशन, होस्ट को निम्न स्तरीय भूमि में नंबर एक शहर के स्वामी की हवेली में सम्मानजनक चोरी करनी होती है। शहरों की भूमि, पुरस्कार, चोर पैनल अनलॉक हो जाएगा, दुकान अपडेट की जाएगी, होस्ट के प्रदर्शन पर आधारित अन्य पुरस्कार। समय, 5 वर्ष, असफल होने पर सजा, सिस्टम 50 साल तक काम करना बंद कर देगा। एस ने ये सारी जानकारी देखी और उत्साह में सिस्टम को सुना, लेकिन जब उसने सुना कि उसका प्रदर्शन केवल औसत के रूप में आंका गया था तो वह अवाक रह गया और गुस्से में सिस्टम से सवाल किया, क्यों औसत? इस बार तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया गया। किसी के भी द्वारा, सिस्टम होस्ट के इस पहले निःशुल्क प्रश्न पर विचार करेगा। सिस्टम द्वारा निर्धारित चोरी मानदंड के अनुसार होस्ट के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इसमें कोई शक नहीं, होस्ट ने अपने मिशन को लगन से पूरा करके बहुत अच्छा काम किया। हालांकि होस्ट अपने दोनों मिशनों में सबसे महत्वपूर्ण काम करना भूल गया है, अर्थात होस्ट ने अपने माननीय चोर का नाम पीछे नहीं छोड़ा। एक चोर का सम्माननीय नाम दूसरे जीवन के समान है। यदि दूसरे पक्ष को यह नहीं पता कि उन्हें किसने लूटा तो वे आपकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में कैसे फैला सकते हैं। यदि होस्ट ने दृश्य पर अपना नाम छोड़ा होगा तो सिस्टम होस्ट के प्रदर्शन का एक स्तर ऊपर मूल्यांकन करेगा। दूसरी बात, होस्ट ने सब कुछ नहीं चुराया। राजकोष का द्वार, उसका घेरा और जाल सभी राजकोष के अंदर के खजाने माने जाते हैं। नतीजतन, होस्ट को कोई उच्च मूल्यांकन नहीं मिल सकता है। अंत में, ऐसी सभी गलतियां नहीं हैं जो होस्ट ने की हैं, लेकिन सिस्टम आपको केवल आपके शून्य स्तरीय प्राधिकार के अनुसार ही बता सकता है। यदि होस्ट अधिक जानना चाहता है तो अपना प्राधिकार स्तर उन्नत करें। सिस्टम एस को एक लंबा लेकिन भावुक स्पष्टीकरण देता है। ये सब बकवास सुनने के बाद ऐसा स्पष्ट हो जाता है, वह चाहती है कि मैं अपना नाम छोड़ दूं ताकि वे मेरी प्रसिद्धि फैला सकें। बकवास, ऐसा लगता है कि वे मुझे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और मुझे अब वह बड़ा दरवाजा और वह सरनी भी चुरानी होगी। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि किसी के भी पहले मुझे पकड़ने के बिना मैं उन्हें कैसे अलग कर सकता हूं, और यह भी मुझे सही रेटिंग देने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने अपना सिर लगभग फुला लिया और जोर से कसम खाए। वह सिस्टम से उलझना नहीं चाहता था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह कब उसके बहुमूल्य प्रश्न को छीन लेगा, इसलिए वह सहन करता रहा। उन सभी भरपूर पुरस्कारों को देखने के बाद ही ऐस शांत हो सका। ये नंबर एक शहर कहाँ है? खैर, जब मैं रेड माउंटेन सिटी पहुंचूंगा तो मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। और चोर पैनल क्या है? जब एस ने इस नौकरी मिशन के बारे में सोचा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह वास्तव में सिस्टम से पूछना चाहता था, लेकिन वह अपना बहुमूल्य प्रश्न बर्बाद नहीं करना चाहता था। उन्होंने कुछ विचार विमर्श के बाद प्रश्न किया, सिस्टम मुझे बताओ कि तुम कहां से आए हो? होस्ट के पास पर्याप्त अधिकार नहीं है, तो फिर आपने मुझे क्यों चुना? ये सवाल उनके मन में काफी समय से था। होस्ट के पास पर्याप्त अधिकार नहीं है, तो फिर सभी व्यवसायों का चोर क्यों? यह उन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक था जिसे वह हमेशा पूछना चाहता था। एस को कुछ हद तक इस तथ्य के बारे में पता था कि सिस्टम उसे किसी भी चीज में विकसित कर सकता है। वह एक केमिस्ट या शिल्पकार या यहां तक कि एक रून शिल्पकार भी हो सकता है जिसे वह उस समय सिस्टम से सुनता है। वह इन सभी रहस्यमय कौशलों और विशेष रूप से स्वर्ग चुराने वाली तकनीक के साथ एक शक्तिशाली योद्धा भी बन सकता है। लेकिन चोर क्यों? उन्हें इस प्रश्न के बारे में सिस्टम से किसी उत्तर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सिस्टम ने उत्तर दिया। एक चोर स्वतंत्र है और वह जो चाहे कर सकता है। वह समाज के किसी भी नियम से बंधा नहीं है या उसे किसी राष्ट्र के किसी नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। यदि वह इतना मजबूत है कि वह स्वर्ग के नियमों से भी बंधा नहीं है स्वयं, तो एक केमिस्ट या शिल्पकार क्यों बने जब आप केवल एक विचार के साथ उनके द्वारा बनाई गई चीजें ले सकते हैं? एक योद्धा क्यों बने जब आप अपने दुश्मन का सब कुछ चुरा सकते हैं और उनके लिए और भी बुरा सपना बन सकते हैं?
जब आप अंधेरे में संप्रभु बन जाते हैं। याद रखें कि एक चोर की होस्ट मुफ्त है। सिस्टम के शब्दों को सुनने के बाद एस तुरंत अचेतन स्थिति में आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक चोर का वर्णन इस तरह किया जा सकता है, जैसे कि एक बाधा टूट गई हो और उसकी कल्टीवेशन आगे बढ़ने लगी हो। 10 घंटों के बाद एस अंततः अपने होश में वापस आया और उसने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां उसकी त्वचा की तरह ही एनर्जी के साथ प्रतिध्वनित हो सकती हैं। उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डियों में भी जबरदस्त बदलाव आ रहा है। मैंने एक रात में स्वर्ग के द्वार क्षेत्र के 3रे द्वार में प्रवेश किया है। मुझे लगता है कि यह अनुभव और सिस्टम शब्दों में किसी प्रकार की रहस्यमय शक्ति के कारण था जिसने मुझे हेवन स्टीलर तकनीक को और अधिक गहराई से समझा। चोर तो आजाद है ना, उसे अपने चेहरे पर निराशा के साथ याद आया।